हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल MICS Tech Education में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो कक्षा में मैं आपको लिब्रे ऑफिस के सॉफ्टवेयर कैल्क के कुछ शॉर्टकट कीज़ बताने वाला हूं। वे मैं शॉर्टकट नहीं बताऊंगा जो आपको पहले मैंने अपने पहले वीडियो में राइटर के लिए जो शॉर्टकट यूज़ होती हैं उनको मैंने बता दिया था। वो कुछ इसमें भी कॉमन है, उनको मैं नहीं बता रहा हूँ और सिर्फ वही कमांड्स और शॉर्टकट कीज़ लेकर आया हूँ जो आपको राइटर सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट तैयार किया हुआ है और देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस कैल्क शॉर्टकट कीज़। तो मैं इसमें कुछ पहले आपको बेसिक जानकारी दूँ। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज जो इसका होता है, या सॉरी डिफ़ॉल्ट फॉन्ट नेम जो होता है वो होता है लिब्रेशन सेंस, और उस फॉन्ट का साइज़ जो ऑटोमेटिकली 10 सेट रहता है पहले से, और लिब्रे का कैल्क सॉफ्टवेयर जो है उसका मिनिमम जूम 20% और मैक्सिमम 400% तक होता है। इसकी जो कॉलम है उसका लास्ट कॉलम जो है वो आपका AMZ है, और लास्ट सेल का नंबर जो है वो AMZ 10 48 576। तो आप कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानने से पहले इस चीज़ को देख लेते हैं कि मैंने कैल्क खोल रखा है ऑलरेडी, और इसका आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लास्ट सेल का नंबर दिखा रहा है, और ये इसका, और आप देख पा रहे होंगे कि ये कैल्क है, बिल्कुल MS ऑफिस के एक्सेल की तरह दिखता है। और इसका जो जूम आप देख पा रहे होंगे वो यहाँ पर दिख रहा है, अभी 100% पर सेट है। मैं इसका मिनिमम जूम आपको दिखाता हूँ। इसका मिनिमम जूम देखिएगा, ये इसका मिनिमम जूम मैंने सेट किया है, और आप यहाँ देखिएगा ये 20% दिखा रहा है। अब इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होगा, ये जूम आउट हो चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका मैक्सिमम जूम जो है वो लगभग 400% तक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब शॉर्टकट कीज़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एडिट मेन्यू में मैं चल आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो सॉफ्टवेयर खोल रखा है ये भी राइटर खोल रखा है लिब्रे का, और इसके कुछ कमांड्स MS ऑफिस के वर्ड की तरह मिलती जुलती हैं। इसी तरह कैल्क की भी कुछ कमांड राइटर के साथ बात सिमिलर हैं। तो मैं आपको सीधे एडिट मेन्यू से स्टार्ट करता हूँ। एडिट मेन्यू में सेल एडिट मोड लाने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं कि सेल एडिट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में एडिट मोड लाने के लिए, सेल एडिट मोड लाने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। ओके, अगली कमांड की तरफ चलते हैं। व्यू मेन्यू में चलकर देखते हैं। व्यू मेन्यू में देखेंगे कि वैल्यू हाईलाइटिंग लिखा हुआ है, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस F8 का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूले को शो करने के लिए कंट्रोल का प्रयोग करते हैं, और देख लेते हैं इन दोनों को। व्यू में जाकर देखते हैं फॉर्मूला और वैल्यू हाईलाइटिंग के लिए कंट्रोल प्लस F8, और शो फॉर्मूले के लिए कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। और ये सारी जो और बाकी की जो आपको दिख रही हैं इसमें शॉर्टकट कीज़, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में जिसमें मैंने राइटर के लिए शॉर्टकट कीज़ बताई थी उनमें बताया था, और आपको कुछ समस्या हो तो मैं अपने इस वीडियो में उसकी लिंक दे दूंगा उस वीडियो की, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इंसर्ट मेनू में आते हैं। इंसर्ट मेनू में फार्मूला शो करने के लिए, फार्मूले को लाने के लिए कंट्रोल प्लस F2 का प्रयोग करते हैं। इसके बाद डेट टाइम, डेट के लिए कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं, और टाइम के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं जरा एक्सेल आपके कैल्क में। फंक्शन को कंट्रोल के साथ F2, कमेंट आप पहले जान देख चुके हैं मेरे राइटर सॉफ्टवेयर में, शॉर्टकट को हाइपरलिंक भी देख चुके हैं। डेट और टाइम के लिए देखिए यहां पर शॉर्टकट की दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन। आगे देख लेते हैं अगला। फॉर्मेटिंग में, फॉर्मेट मेनू में क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कंट्रोल के साथ M का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट सेल, सेल को फॉर्मेट करने के लिए कंट्रोल के साथ 1 का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेट एस करेंसी, आपको करेंसी लानी है किसी फील्ड में तो उसके लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट प्लस 4, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट और 4 नंबर की बटन, आपको 4 नंबर की बटन प्रेस करनी होगी। इसी तरह फॉर्मेट परसेंटेज के लिए, परसेंटेज शो करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और 5 नंबर की बटन को प्रेस करना होगा। इस तरह फॉर्मेट एज नंबर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और 1। फॉर्मेट एज डेट, डेट के लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3। आपकी सेल का जो
टाइप है वो अगर डेट में करना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 3 का प्रयोग करना होगा। अगले इनको देख लेते हैं एक्सेल में चल के, सॉरी कैल्क में चल के। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपको इसमें यहाँ पर मेन्यू में आपको नहीं दिखाई देंगे, फॉर्मेट मेन्यू में आपको ये यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे सारे, कि आप देख पा रहे होंगे फॉर्मेट एस ये लिख कर आ रहा है, इनके शॉर्टकट कीज लिख कर आ रही हैं कि इनको अगर आपको फील्ड में लाना है तो कैसे करना होगा। देखिए चलिए आगे देखते हैं, अब शीट मेनू पे बढ़ते हैं। शीट मेनू इंसर्ट सेल, सेल अगर इंसर्ट करानी है तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। ये अगर सेल को डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस का प्रयोग करना पड़ेगा। सेल को क्लियर करना है तो उसके लिए बैक स्पेस का प्रयोग करना पड़ेगा। साइकिल सेल रीअरेंज टाइप के लिए F4 का प्रयोग करना पड़ेगा। साइकिल सेल रेफरेंस टाइप्स इसके लिए आपको F4 का प्रयोग करना होता है। फिल सेल डाउन कंट्रोल के साथ D का प्रयोग करना होता है। मैनेज कंट्रोल के साथ F3 का, इसको मैं अभी मैनेज को आपको बताऊंगा ये कहां पर है। आइए देख लेते हैं इन सभी को शीट मेनू में चल के। शीट मेनू में गए तो आपको इंसर्ट सेल के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का, डिलीट सेल के लिए कंट्रोल प्लस माइनस का, क्लियर सेल के लिए बैक स्पेस का, सेल साइकिल साइकिल सेल रेफरेंस टाइप के लिए F4, फिल सेल के लिए फिल डाउन, फिल सेल के लिए फिल डाउन यानी कंट्रोल D का प्रयोग करते हैं। अब ये मैनेज के लिए मैंने बताया था तो मैनेज के लिए यहाँ पर देखिए मैनेज कंट्रोल प्लस F3 नेम रेंज एंड एक्सप्रेशंस को अरेंज करने के लिए। नेविगेट के लिए थोड़ा सा नई ये है, इसमें मैं आपको उसमें आगे दिखा देता हूँ कि नेविगेट कैसे। नेविगेट ऑप्शन में आप देखेंगे टू प्रीवियस सीट पर जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं, टू नेक्स्ट सीट के लिए आपको कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। चलिए अगली मेन्यू की तरफ देखते हैं, डेटा मेन्यू जो आपके कैल्क में अलग से एक मेन्यू बना हुआ है यहाँ पर डेटा, तो इसको आप देख पा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं इस पर। इन कैलकुलेट मेन्यू में ये एक उसका एक सब मेन्यू अंदर कैलकुलेट करने के लिए आपको रीकैलकुलेट करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं, रीकैलकुलेट हार्ड के लिए कंट्रोल शिफ्ट F9 का प्रयोग करते हैं। चलिए देख लेते हैं, डेट शीट पर जाते हैं, डेट मेन्यू पर जाते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कैलकुलेट लिखा हुआ, उसमें रीकैलकुलेट के लिए F9, कैलकुलेट रीकैलकुलेट हार्ड कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसमें ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ नहीं दी हुई है, तो एक दी हुई है ग्रुप में, ग्रुप में तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप में कैसे इसको आप देखेंगे। ग्रुप एंड आउटलाइन, इसके लिए ग्रुप करने के लिए आपको ग्रुप के लिए F12 का प्रयोग करते हैं, अनग्रुप के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। ये भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाई नहीं, अब दिखा देता हूँ। ये ग्रुप ऑप्शन दिखा रहा नीचे, ग्रुप करने के लिए F12 और अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग करते हैं। ओके दोस्तों, ये थी कैल्क सॉफ्टवेयर की कुछ शॉर्टकट कीज़। इन शॉर्टकट कीज़ में आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। तो दोस्तों थैंक यू।